अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट जैसे कि आपको इल्म है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है अरिथमेटिक सीरीज चैप्टर नंबर 6 है। और अभी जो हम क्वेश्चन हमने पीछे किए थे पिछले लेक्चर में वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और अभी जो हम करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये क्वेश्चन न सिर्फ आपके अभी एग्जाम में काम आएंगे, इनकी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं क्वेश्चंस की कि ये आपको एंट्री टेस्ट में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो प्लीज जब इन सवालों को करना है तो बड़ी त्याग से करना है। इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी, इंशाल्लाह पहले भी मिल रही है आगे भी मिलती रहेगी, और हमने एक साथ MCQs का एक सिलसिला शुरू किया है, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करके तो डेली वीडियो तो आपको आसानी में आपको अब तक डेली पहुंचती रहेगी। अभी हम जो करने लगे हैं लास्ट टॉपिक का लास्ट ही क्वेश्चन का जो टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करने लगे, उसी जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जी आपका 13। हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पहले सवाल को आसानी से ध्यान से समझ लें फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। S7 and S9 आर द सम ऑफ फर्स्ट 7 and 9 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ S9/7, 18/11, A7/20 फाइंड द सीरीज। तो जैसा आपको पता है कि सीरीज में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक A1 चाहिए और एक D चाहिए। तो बच्चों आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11S9 और 18S7 आएगा जी। आप S9 का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपने 9 की जगह N की जगह 9 को पुट करना है, ये आपका बन जाएगा 9/2 2A1 9-1 D। और इसी तरह आप यहां आ गया 18, N की जगह बच्चों 7 आ जाएगा, तो ये आपका जी देखें क्या बन रहा है 2A7-1 D। ये क्वेश्चन जी अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा ओवर 2H। अब ये आ गया 2A8D और इसमें आप बेशक कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हैं, ये आएगा 63 2A6D। ये आपका क्वेश्चन है जी। अभी इसको अगर आप चाहें तो 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा A1+4D। इसको मल्टीप्लाई कर लें 126 A1, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा 378D आएगा। अब ये कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 99 A1 को 4 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये आना है 396D। 126 A1 378D। अब आप इस रकम को उस तरफ ले जाएंगे तो आएगा 126A1 378D -99A1 -396D = 0। तो इसमें के A में से इस A को माइनस करोगे 27A1 आएगा और ये -18D = 0। अब जरा आप गौर करें तो आपके पास था A7 = 20। A7 किसके इक्वल है, A1+6D = 20। आप इधर देखें यहां D6 है, आप इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप 3 अगर कॉमन ले ले तो आएगा 9A1-6D = 0। 3 से जब आप डिवाइड कर दोगे 3 को उस तरफ तो ये आपका आंसर है, ये 0 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आप इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे हैं जी। अभी देखें जी, अभी आपने पढ़ी इक्वेशन जो 1 है 9A1-6D = 0 और सेकंड इक्वेशन थी A1+6D = 20। अब बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 10A1
ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। ये ए वन भी क्या आ जाएगा, 10 से 20 को डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। ए वन आ गया 2। अब ए वन की वैल्यू बेटा पुट इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट कर ले, हम 2 में पुट करते हैं, 2 6d = 20। तो ये आएगा 6d 20 - 2, तो 6d = 18। तो d क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपके पास a1 भी आ गया और d1 भी आ गया। अब आपको जो सीरीज थी वो थी a1 a2 a3 a4 so on। जब आप इसमें डिफरेंस 3 है, फर्स्ट वैल्यू 2 है, इसमें 3 ऐड करते जाना है, ये आएगा 5 8 11 सो ऑन, इस तरह आगे 14 सो ऑन। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट हो गया जी। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। अब जी हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों को पूछेगा 3 नंबर ऑफ एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर ऑफ एपी एंड 5 नंबर ऑफ एपी। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपके सामने है, जब वो थ्री नंबर्स ऑफ एपी कहेगा तो आपने लेट करना है a-d a और a+d, और जब 4 नंबर ऑफ एपी कहेगा a-3d a-d a+d और a+3d होगा, और जब 5 नंबर ऑफ एपी कहेगा a-2d a-d a a+d और a+2d होगा। तो अभी ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 में, the sum of three number in AP is 26 and their product is 440, find the number। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटे, सबसे पहले आप करोगे लेट थ्री नंबर, इसमें जो थ्री नंबर है जी, थ्री नंबर्स ऑफ AP, AP के तीन नंबर आपने क्या करना है, a-b a और a+d। पहली कंडीशन क्या है उसकी, फर्स्ट कंडीशन है इनको सम करो तो 24 आए। तो आप इन तीनों नंबरों को जब सम करेंगे तो 24। अब इसमें गौर करो तो d कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा 3a 24, a की वैल्यू 8 हो गई जी, a क्या हो गया आपका 8। अब सेकंड कंडीशन पे बेटा गौर करो, सेकंड कंडीशन कह रहा है प्रोडक्ट। अभी इन्हीं नंबरों को जब आप प्रोडक्ट करोगे, जब प्रोडक्ट करोगे तो 440 आएगा। अब इसमें देखो ए अपनी जगह पे, डिफरेंस बिटवीन टू का स्क्वायर का फॉर्मूला a² - b² 440। यहां पे ए की वैल्यू पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ ए, जब ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 64, ये d² 440 आ जाएगा। अब इसमें 64 - d, अब इसको आपने डिवाइड करना है बच्चों 8 से, तो जरा गौर करो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये 55 आ जाएगा जी। अब ये आएगा 44 - 55 = d², ये आ गया 9। अब इसका स्केयर रूट लोगे तो, जब स्केयर रूट लोगे तो +-3d आ जाएगा, ये आपकी d की वैल्यू आ गई जी। a आपके पास पहले की वन है, d आपके पास ये है। अब जरा गौर करें, जो आपने लेट किया था वो लेट किया था a-d a और a+d, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 आपका 8 है और d आप पहले 3 लेंगे, दोनों को बारी बारी चेक करना पड़ेगा। जब आप 8 - 3 8 और 8+3, तो ये बच्चों आपका बनेगा 5 8 और 11, ये फर्स्ट आ गया जी। जब आप इसमें a 8 और d - 3 पुट करेंगे, दोबारा इसी में पुट करें, 8 ये माइनस था तो ये -± + हो गया 3, 8 8 - 3 11 8 और 5, ये आपकी तीन जो है ना जी नंबर आ गए। इसको जरा गौर से देखो तो उसकी कंडीशन पे अप्लाई करो, उसने कहा था कि सम करो तो 24 आए, तो बेटा 5 और 8 13 और 11 24, 11 + 8 19 + 5, तो ये भी 24। इनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे 40 40 को 11 से, तो 440 आ रहा है।
इनको भी 88 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर जाता है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी 15, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द फोर नंबर्स ऑफ एपी हूज सम इज 32 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 276। तो बच्चों ये फोर नंबर ऑफ एपी हैं, तो सबसे पहले आप इनको लेट करोगे, लेट फोर नंबर्स ऑफ एपी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। आप इसमें देखिए जी, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है जी, इसको सम करें। तो आपने पहले इनको सम करना है जी नंबरों को, तो सम करके क्या आंसर उसने दिया है 32, ये 32 है जी। अब इसमें आपका डी थ्री डी भी कैंसल और डी भी कैंसल हो गया, तो 4a आपका आएगा 32, a की वैल्यू आ गई 8, ये आपका a की वैल्यू आ गई जी। आप सेकंड कंडीशन पे गौर करें, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर लेके सम करना है। तो जब बच्चों आप इनका स्क्वायर लेके सम करोगे, ये लो जी, ये स्क्वायर भी कर लिया और साथ इसको सम भी कर लिया जी, तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 276 के जी। आप इसका स्केयर जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी फॉर्मूला जी। अब ये भी सेम, ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी, और यहां प्लस का फॉर्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए डी आएगा जी, और यहां पे भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस बेटा ये आएगा 2ad, यानी यहां b गया मैंने d का, तो मतलब फार्मूला ये चाहिए। अब ये देखे, यहां से माइनस 6ad और ये प्लस 6ad कैंसल, यहां से माइनस 2ad कैंसल और प्लस 2ad कैंसल, तो ये बच्चों आपका 1 2 3 एंड 4, ये आ गया 4a स्क्वायर और ये 10 11 और 20 20d स्क्वायर आ गया जी। अब ये इक्वल है 276 के, इसमें से 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बच्चों इस तरह आ जाएगा जी आपकी रकम। अब इसको 4 से डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करोगे 4 से तो देखो ये क्या बनेगा, इसमें 4 से डिवाइड करोगे 69 आएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए, जब ए की वैल्यू पुट करोगे 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए तो वो 64 है जी। अब यहां से ये आपका आ गया 64, डी ये आएगा जी आपका 5 और डी स्क्वायर आपका आ गया 5, 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1, तो डी की वैल्यू बच्चों आ गई प्लस माइनस 1। अब आपके पास ए भी है और डी भी है, तो जो इक्वेशन बच्चों आपने शुरू में ली थी उसी में आपने वैल्यू को बारी बारी पुट करना है, जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आप ए क्या जी आपका 8 है, डी आपका क्या है 1 है फर्स्ट, फिर माइनस 1 को भी करना है तो आएगा 8 और यहां 3, 8 माइनस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 3, तो 5, 7, 9 और 11, ये बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई जी। इसी तरह a1 8 है और d अगर माइनस 1 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां आएगा 8 प्लस 3 और 8 प्लस 1, 8 माइनस 1 और 8 माइनस 3, 11, 9, 7 और 5। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल, इसमें गौर करें तो सम, पहला फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सम करो तो 32 आए, तो ये 12, 9, 21 और 11, 32, और ये भी सेम है 32। इनका अगर आप स्केयर लेके सम करेंगे तो बच्चों ये 276 आएगा। और इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 16 जी, ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फाइव नंबर ऑफ एपी
whose sum is 25 and the sum of square is 35. अब 5 नंबर बचो तो ये आपके सामने जी 5 नंबर ऑफ एपी। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो जी जब सॉल्व करोगे उसी तरह लेट करोगे, लेट दी 5 नंबर, 5 नंबर्स ऑफ एपी। तो बच्चों एपी के 5 नंबर क्या है, ए माइनस टू डी, ए माइनस बी, ए ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, सम करो तो 25 आए। तो फर्स्ट कंडीशन जी, फर्स्ट इनको सम करो जी, ये आपने सम करना है पहले, तो किसके इक्वल है 25 के। अब इसमें गौर करो d की वैल्यू बेटा कैंसिल हो रही है, तो a 1 2 3 4 5 है 25, a आपका आ गया 5, a की वैल्यू आपकी 5 हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, इनका स्क्वायर लेके सम करना है, तो लो जी a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए स्क्वायर, ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस टू डी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है 135 के। स्क्वायर खोलो जी उसी तरह फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये बच्चों ए स्क्वायर, यहां प्लस का फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल है 135 के। अब बच्चों इसमें एडी की वैल्यू देखो तो वो कैंसल हो रही है, ये भी एडी की वैल्यू कैंसल, ए कितने है जी ए स्क्वायर 1 2 3 4 एंड 5, 5 ए स्क्वायर और डी स्क्वायर 10 है बच्चों, 10 डी स्क्वायर 135, 5 कॉमन आएगा, ये 2 डी स्क्वायर 135, ए स्क्वायर 2 डी स्क्वायर और इसको जब डिवाइड करोगे तो बच्चों 27 आ जाएगा। यहां पे फिर आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया जी। तो जब ये 25 को आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाना है, तो ये बच्चों आपका आ जाना है 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो डी स्क्वायर आ गया बेटे 1, और जब इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1 हो जाता है जी। अब जब ये प्लस माइनस 1 हो गया तो जो आपने लेट किया था, क्या लेट किया था, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। फर्स्ट ए क्या जी आपके पास 5 और डी फर्स्ट 1 है, तो 5 माइनस 2 5, 1 5, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 2, तो आ गया 3 4 5 6 एंड 7, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसी में डी की जगह माइनस 1 पुट करो, 5 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 और माइनस होनी, क्योंकि यहां माइनस प्लस माइनस माइनस होना थी, 5 माइनस 2 तो ये आ गया 7 6 5 4 और 3। तो बच्चों इस कंडीशन में भी आप गौर करें तो आप इनको सम करके देखें तो 25 आता है, इनका स्क्वायर लेके सम करेंगे तो 135 आएगा। तो आज का लेक्चर बच्चों यहां ही कंप्लीट, कल इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।